स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल की नॉलेज पे। आई ऋषि के शिया अभी यहाँ से एक बार फिर से तेजी जो है बना रहा है। देखिए आई ऋषि का मतलब अगर देखेंगे तो ये कंपनी जो है बहुत ही बढ़िया है। आई ऋषि आरबीएनएल ये सब बहुत ही बढ़िया कंपनी, अच्छा खासा बिजनेस है इसका। फिलहाल आई ऋषि के शेयर में जो देखेंगे तो मतलब प्रॉफिट वगैरह बुक किया है इन्वेस्टर्स ने, उसके बाद स्टॉक में गिरावट बना और फिर से जो है अभी एक बार ये शेयर तेजी बना रहा है। तो ये आई ऋषि का आरबीएनएल का बहुत सारे अपडेट्स हैं, हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ शेयर किया जाए। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे नॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से कंटेंट पाने के लिए। स्टॉक की बात है तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मतलब इसका जो आईआरसी का एक दिन के अंदर 0.5% के आसपास जो है तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं एक हफ्ते के अंदर 0.8% का गिरावट दिया और एक महीने के अंदर 1.4% के आसपास जो इसने गिरावट दिया है। आईआरसी का मतलब जो बोलते थे कि इसका शेयर में बीच में एक बहुत ज्यादा तेजी बनाया था, तो हमें लगता है कि दोस्तों अगर कोई शेयर अभी खरीदता है आईआरसी का फिलहाल होल्ड मतलब करेंगे तो ही जाके एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है ये शेयर में। और मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है फिलहाल तेजी शायद से देखने को नहीं मिल सकता है। और इसका देख सकते हैं कि जो ड्यूरेबिलिटी है वो 45 आउट ऑफ 100 रिलेशन 35.80 आउट ऑफ 100 मोमेंटम सभी 2.40 आउट ऑफ 100। यहाँ पे दोस्तों एक साल के अंदर आईएफसी के शेयर में जो हाई प्राइस दिया है वो 92.35 पैसे का, जो लो प्राइस दिया है वो 21.20 पैसे का। एंड वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आईआरएफसी का जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, तो टेक्निकली जो है आईआरएफसी का शेयर आप देख सकते हैं फिलहाल अभी यहाँ पे एक बुलिश लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं इस आरएसआई इंडिकेटर जो है, आरएसआई इंडिकेटर कह रहे कि जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे, मेक दी इंडिकेटर कह रहे कि जो शेयर है एक मतलब न्यूट्रल लेवल पे जो है फिलहाल अभी चल रहा है। देखिए आईआरसी के शेयर में मतलब एक दिन का जो है टॉप प्राइस बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो है 75.75 पैसे का, और जो हाई प्राइस दिया है 77.65 पैसे का। और एक हफ्ते के अंदर जो लो प्राइस दिया है वो 70.35 पैसे का, और जो हाई प्राइस दिया है वो 77.65 पैसे का, और जो एक महीने के अंदर लो प्राइस दिया है वो 70.35 पैसे का, जो हाई प्राइस दिया है 90.35 पैसे का। तो शेयर जो है एलएलटी फाइनेंस का यहाँ पे बीएससी और एनएससी मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है इसका एक दिन का वो है 89.5 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 26% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 23.2 मिलियन का है। एक हफ्ते के अंदर बीएससी एनएससी मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 47.6 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 32.9% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 15.7 मिलियन का है। और एक महीने के अंदर जो बीएससी एनएससी मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 100.3 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 26% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 26.1 मिलियन। ये बोल सकते हैं कि एलएनटी फाइनेंस का शेयर मतलब बीच में जो एक बहुत ज्यादा तेजी बनाया था, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे अपडेट्स भी था जहां पे बहुत सारे अपडेट्स था मतलब जो आईआरएफसी के बोल सकते जो प्रमोटर्स हैं उनकी ओर से मतलब गवर्नमेंट की ओर से जो बताया गया था कि आईआरएफसी में जो है थोड़ा बहुत जो स्टेक है जो कि स्टेक लगभग 76% के आसपास किया जाएगा, स्टेक थोड़ा घटाया जाएगा, और उसके बाद ही जो है आईआरएफसी के शेयर में एक बहुत ही जबरदस्त तेजी बनता हुआ देखने को मिला था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, स्टॉक में गिरावट बना। और यहाँ पे दोस्तों अगर कोई शेयर खरीदते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो ही जाके किसमें अच्छा खासा तेजी बन सकता है या फिर रिटर्न देखने को मिल सकता है। डिविडेंड की बात करते हैं आईआरसी का, तो डिविडेंड देखिए शेयर का मतलब अभी तक जो है आईआरसी ने 5 बार डिविडेंड दिया है, 5 बार अभी तक आईआरसी ने डिविडेंड दिया है, और पास 12 मंथ्स के अंदर देखते हैं तो 1.5 रुपये के आसपास जो इसने डिविडेंड दिया है। तो मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो अच्छा खासा आपको एक डिविडेंड आईआरसी के शेयर में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आईआरएफसी का जो मार्केट कैप है, देखिए मार्केट कैप का बात करते हैं आईआरएफसी का, तो यहाँ पे 99,308 करोड़ का जो इसका मार्केट कैप है। अभी इसका प्राइस जो लगभग 76 रुपीज के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे जो इसका हाई प्राइस है 92.90 पैसे का बनाया, और जो लो प्राइस दिया है वो 22.20 पैसे का। बात करते हैं दोस्तों स्टॉक पी 15.9 का है, बुक वैल्यू 36 का है, डिविडेंड यील्ड जो कि 1.96% का है, एंड बहुत ही बढ़िया इसका डिविडेंड यील्ड है। एंड अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो मतलब स्टॉक में जो अभी मतलब आईआरएफसी का जो अभी अभी देखने को मिल रहा है कंपनी का, आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट ग्रोथ है। देखिए ये जो है मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, मतलब जो भी रेलवे काम होता है इसमें फाइनेंस करता है,
रेलवे के जो भी काम होता है इसमें आईआरएफसी फाइनेंस करता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो रेलवे कर रहा है और आईआरएफसी से फाइनेंस ले रहा है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो है आईआरएफसी का जो है प्रॉफिट ग्रोथ जो है, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.3% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है बहुत ही बढ़िया है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट जो कि 30.7% के आसपास है। तो इसके डिविडेंड पे आउट भी डिविडेंड भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है आईआरएफसी के ओर से। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का मतलब इसका लो इंटरेस्ट कवरेज इशू है, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज इशू, टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे कंपनी का जो टैक्स रेट है वो भी कम है, इसका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो भी शायद यूटिलाइज कर रहा है एंड कैपिटलाइज कर रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका मतलब डेब्टर पेयर है वो है मतलब कंपनी हैज हाई डेब्टर्स जो कि 3,730 डेज है। तो यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं कि दोस्तों इसका जो सेल्स ग्रोथ है तो सेल्स ग्रोथ भी आप देख सकते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है आईआरएफसी का सेल्स ग्रोथ, जो कि बोल सकते हैं कि मतलब इसका जो सेल्स ग्रोथ है मार्च 2023 में 6,236 करोड़ के आसपास था। और वही आप देख सकते हैं जो कि मतलब बोलते कि इसका जो Q1 2024 में सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया था जो कि 6,679 करोड़ के आसपास है। वही बात करते हैं दोस्तों इसका जो एक्सपेंसेस है 47 करोड़ था वो यहाँ पे 29 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 6,189 करोड़ के आसपास था ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं जो कि बढ़ गया है 6,650 करोड़ के आसपास हुआ है। अभी बात करते हैं दोस्तों इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आईआरएफसी का 1,328 करोड़ के आसपास हुआ था और वो जो है बढ़ के 1,557 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 1,328 करोड़ के आसपास हुआ है एंड बढ़ के जो है वो उसके बाद Q1 2024 में 1,557 करोड़ के आसपास हुआ है। तो देखिए एक बहुत ही शानदार कंपनी है आईआरएफसी। ये सिर्फ मतलब स्टॉक में जो गिरावट बन रहा है जैसे कि मार्केट एक सेंटिमेंट भी लेता है, मार्केट सेंटिमेंट के चलते जो है स्टॉक में एक गिरावट बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने आईआरएफसी के शेयर में थोड़ा सा ज्यादा प्राइस में खरीद के रखा है, क्योंकि स्टॉक में जो बीच में आईआरएफसी के शेयर में जो बीच में बहुत ज्यादा तेजी बना रहा है, शेयर का प्राइस 90 रुपए के ऊपर पहुंच गया था, 92 के ऊपर ये शेयर जो है पहुंच गया था आईआरएफसी का, उसके बाद स्टॉक में थोड़ा गिरावट बना है। तो मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह जो है बुक कर लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक में गिरावट बन रहा है तो यहाँ पे तुरंत ही बेच लेना चाहिए। अगर कोई होल्ड कर सकता है आईआरएफसी के शेयर में तो हमें लगता है कि थोड़ा समय होल्ड करना चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद मतलब हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा जो है स्टॉक में तेजी बने। और जैसे कि इसका Q2 का भी रिजल्ट आएगा तो दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है मतलब अगर देखेंगे तो Q2 का रिजल्ट जो है वो भी एक जबरदस्त रिजल्ट आईआरएफसी पोस्ट कर सकता है, उसके बाद हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत और तेजी बनता हुआ दिखे। तो फिलहाल अगर किसी ने नहीं खरीदा है और अभी खरीद रहा है तो हमें लगता है कि बहुत एक छोटा मोटा टारगेट प्राइस रख के चलना चाहिए, फिलहाल इसमें बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए। और अगर किसी ने थोड़ा ज्यादा प्राइस में खरीद के रखा है तो हमें लगता है थोड़ा समय होल्ड करना चाहिए। आपको क्या लगता है आईआरएफसी को लेकर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले, हम लोग से रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।